वैसे पब्लिक रिव्यू आने चालू हो चुके हैं और सभी का एक ही कहना है, अगर आपको इस मूवी का फुल एंजॉयमेंट लेना है तो भाई साहब आपको दिमाग और लॉजिक नाम की ये जो दो चीजें हैं इसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप इन्हें साथ लेके चले गए तो आपका मूवी में मजा पूरा किरकिरा हो जाएगा, और अगर आप इन्हें छोड़कर चले गए तो पूरी मूवी आपकी है, क्योंकि आज भाई साहब एक ऐसी अतरंगी लव स्टोरी की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है जो शायद इंडियन सिनेमा में फिल्म कभी नहीं हुआ था। और इसके बाद ये मूवी कैसी चलने वाली है कैसी नहीं, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ आज के बाद जो काम करने वाला है, अर्ली एस्टिमेट जो भी देख के लग रहा है भाई पब्लिक रिव्यू का, भाई सॉलिड काम करने वाला है। लेकिन अभी जाएंगे खुद हम अपने आप भाई मूवी देखेंगे कैसी क्या कहानी है, उसके बाद भाई एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आपको। लेकिन फिलहाल जो भी बातें होंगी वो पब्लिक रिव्यू के हिसाब से होंगी, फर्स्ट रिव्यू जो कहते हैं। लेकिन भाई मूवी का अतरंगी अंदाज है, दैट्स वाई कि आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। कुछ नया मिलने वाला है, रोबो गर्ल है भाई, इंसान को उससे प्यार हो जाता है, उसे फैमिली मतलब इंडियन फैमिली में एडजस्ट करना पड़ेगा, और इंडियन फैमिली आप जानते ही हो इतनी एडवांस नहीं होती है। लेकिन जो रोबो है वो भाई हाईटेक है, फुल जितना भी उसमें प्रोग्राम सेट करा गया है उसे सही गलत का कुछ फर्क पता है नहीं कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है, इसलिए वहाँ पर केमिस्ट्री सेक्स वगैरह वगैरह भी ये बोल्ड सीन्स आपको भरपूर देखने को मिलने वाले हैं। दैट्स वाई कि ये सारी जो चीज़ें एक इंडियन फैमिली में चलेंगी तो ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगी, इसलिए एक्साइटमेंट जनरेट हो रहा है। और भाई साहब वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो यहाँ कुछ केमिस्ट्री तड़का लव स्टोरी एंगल तो देखने को मांगता है, और अच्छा टाइम है इस मूवी के लिए कि ये अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी। लेकिन जो अर्ली एस्टिमेट है बॉक्स ऑफिस को लेकर भाई वो उतने सॉलिड नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ऑन द बेस ऑफ पब्लिक रिव्यू भाई साहब एंटरटेनमेंट जबरदस्त मिलने वाला है। रोबो के साथ वो अतरंगी लव स्टोरी, केमिस्ट्री, प्यार, फैमिली ड्रामा सब कुछ फेल के है। लेकिन ये सारी चीजें कितनी सच है कितनी नहीं वो तो खुद मूवी देखकर ही पता रहेंगे, और कुछ ही देर बाद आपको मूवी का रिव्यू भी मिल जाएगा। फिलहाल एडवांस बुकिंग देखते हैं, फाइनल एडवांस बुकिंग इस मूवी की कहां पर होल्ड हुई है। वैसा मूवी को सिंगल लैंग्वेज में ही रिलीज करा गया है, यानी हिंदी 2D में। आईमैक्स की भी बात चल रही थी लेकिन वहां से इतना क्लियर नंबर नहीं आया। वही चीज की आज अगर अच्छे रिव्यू मिल गए इस मूवी को, फिलहाल पब्लिक रिव्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मूवी को पॉजिटिव रिव्यू ही मिलेंगे, क्योंकि स्टार कास्ट शाहिद कपूर और कृति सनन है भाई, दो नाम अच्छे खासे नाम है। और शाहिद कपूर कभी भी ऐसे छोटे मोटे या फिर लुल्लू पुल्लू कोई कंटेंट नहीं चुनते हैं, इनसे ट्रस्ट बनता है। दैट्स वाई कि भाई मूवी एक बार के लिए औसम हो सकती है, वो तो भाई मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल हिंदी से अगर मैं बताऊं, हिंदी 2D से एडवांस बुकिंग इन्होंने कहां होल्ड करी है भाई, 2,11,47,527 रुपए की एडवांस बुकिंग इन्होंने आज के लिए मतलब डे वन के लिए ली है, जहां पर 96,571 इन्होंने टिकट सोल्ड आउट करे हैं। 185 एवरेज टिकट प्राइस है, 10,000 सोच इनके खाते में आ चुके हैं, सोच की कोई कमी नहीं है। आज के बाद अगर मतलब मूवी को रिव्यू अच्छे मिल जाते हैं तो ये 10,000 सोज में धमाल कमाल कर देगी मूवी। जहां मेजर बुकिंग हुई है नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली NCR से 37 लाख की, मुंबई से हुई है 28,93,000, बेंगलुरु से हुई है 18,39,000, एंड पुणे से हुई है 11,38,000। रेस्ट ऑफ द ऑल इंडिया से मतलब बुकिंग हुई है जो भी इसकी है। तो ऐसा भाई जी मूवी डे वन के लिए कितना अपने खाते में सिक्योर करते नजर आ रही है, अराउंड भाई 15 से 20 करोड़ के आसपास तो ये मूवी अपने खाते में रखी लेगी डे वन के लिए नेट इंडिया कलेक्शन से। तो कितना सच होता है कितना नहीं भाई, मिलते हैं रिव्यू के साथ। जय हिंद।